सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े भले ही कम हुए हों, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद अब स्कूलों में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सोनगरा के प्राचार्य कोरोना संक्रमित थे, तो वहीं मंगलवार को शिव प्रसाद नगर स्थित आदिवासी बालक छात्रावास में एक छात्र कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद छात्र और प्राचार्य को होम आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन स्कूल और छात्रावास का संचालन अब तक बंद नहीं किया गया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन मास्क चेकिंग अभियान के तहत सख्ती बरत रही है, लेकिन सोनगरा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और आदिवासी बालक छात्रावास में छात्र के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बावजूद संचालन जारी रहना चिंताजनक है। वो आज बॉयज हायर हॉस्टल शिव प्रसाद नगर में 8 बच्चों का रैपिड एंटीजन से टेस्ट किया गया था, उसमें एक बच्चा संजय कुमार 16 साल का है, उसको पॉजिटिव आया है। वो एसिम्प्टोमेटिक है और उसको होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। और दूसरा मामला सोनगरा स्कूल का है, वहाँ पे जो संस्था प्रभारी है वो पॉजिटिव आए हैं, तो उनको भी मतलब होम आइसोलेशन में ही रहने के लिए सलाह दिया गया है। साथ में वहाँ के जो और स्कूली छात्र छात्राएं हैं, साथ में टीचर हैं, तो उनका भी टेस्ट कराने हेतु बीएमओ को निर्देशित किया गया।